हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नज़ारा आप देख सकते हैं कि खेती का सीज़न हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और आज आप लोगों को मैं अपना खेत दिखा देता हूं जहां मैंने फर्स्ट टाइम अपने हाथों से खेती करी है। और ख़ासकर गांव घर में अगर आप रहते हैं तो अगर आपको मछली खाने का मन होता है तो कैसे हम लोग मछली पकड़ते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि इस तरह के खेत में जो मछली आती है उसको हम लोग कैसे पकड़ते हैं वो चीज़ आपको। और वो आप देख सकते हैं चंदा मामा, कल पूर्णिमा है, ये देखो मज़ा आ गया देख के। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ कुछ देर पहले भी बारिश हुई थी और ये सब जगह बारिश से पहले एकदम सूखा सूखा था, लेकिन बारिश होने के बाद में इसमें जान आ गया और हरा भरा आ गया। अभी हम लोग चलते हैं अपने खेत के ऊपर, वहाँ देखते हैं कि वहाँ का पोजीशन और सिस्टम कैसा है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने रखा है ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि हम लोगों के खेत के जस्ट बगल में एक खेत अभी तक अभी बाकी है तो इसलिए ये रख दिए हैं ताकि ट्रैक्टर इसमें जा पाए। ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि राइस को जो ट्रांसप्लांट करने का वो चीज़ हम लोगों ने कर चुका है और इसके बाद में अब हम लोगों को कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करना था, यानी खाद ऐड करना था, लेकिन मैंने कर नहीं पाया था। और हमारे खेत को आप देख सकते हैं पानी से पूरा भरा हुआ है और ये वाला पानी तो ओवरफ्लो कर रहा है। इस नज़ारे को आप क्या बोलेंगे, कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। देखो वाह मज़ा आ गया, ये देखो इस तरह का व्यूज़ और इस तरह का एक्सपीरियंस हमें सिर्फ गांव में मिल सकता है, शहर में इस तरह का एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल है। मज़ा आ गया लिटरली। देख पानी आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो रही है। अब हम लोग चलेंगे उस जगह जहां मछली लोग रहते हैं। ये देखो ये हम लोगों का है बेसिकली, तो सूखा था लेकिन अब पानी ओवरफ्लो है, ठीक है। मैंने वहाँ बगल में डैम टाइप का बना दिया था यानी पानी रोकने के लिए, और ज़्यादा पानी होगा तो उसको हम लोग कटिंग कर देंगे। तो अभी शाम का नज़ारा है, सूरज इधर डूब रही है और इधर हमारे प्यारे चंदा मामा एकदम चमक रहे हैं, मज़ा आ गया। देखिए अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप सभी को मैं थैंक यू करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे ही फेसबुक पे अपना अकाउंट खोला वहाँ 5000 प्लस सब्सक्राइबर ना फॉलोवर्स उसको बोलते हैं आप लोग आ गए, और यूट्यूब में आप लोग तो हैं ही। और इस तरह से सपोर्ट और प्यार इस छोटे भाई के ऊपर में रखिएगा ताकि हम लोग और भयंकर लेवल का वीडियोस बना पाएं। तो अभी फिलहाल हम लोग गांव का कर रहे हैं खेती, तो खेती का ही वीडियो मैं बना रहा हूं। आने वाले समय में हम लोग इस कंटेंट को चेंज करेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके उस जगह जहां खेतों का जो पानी गिरता है और वहां बहुत सारे मछलियां होती है, तो मैं चेक करके रखता हूं। अगर आज मछली होगी तो कल इसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो ये है वो लोकेशन, पानी तो आप देख सकते हैं यहाँ है, बट रात भर इंतज़ार करना होगा। इस जगह मैं अपना जाल लगा दूंगा ताकि सुबह तक इसमें कुछ ना कुछ मछली फंस जाए, क्योंकि यहाँ पानी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी है। एक चीज़ मैंने महसूस करी जो फार्मिंग में, कि जैसे कि ये जो खेत है और बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि आप धान के रोपाई भी करते हैं और प्लस धान के रोपाई के साथ साथ में लोग इसमें मछली भी छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसका बड़ा बड़ा ऐसे प्लॉट है, खेत है, बड़ा बड़ा अपना एरिया है, तो वहाँ धान के साथ भी आप कुछ कुछ फिश के जो अलग अलग टाइप के क्वालिटी के फिश आप यहाँ रख सकते हैं, यानी दोनों चीज़ हो जाएगा, आपका धान भी हो जाएगा और साथ में आपका मछली भी हो जाएगा। तो इस तरह का मिक्स फार्मिंग किया जा सकता है। नहीं यहाँ वो चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो बारिश का पानी जो आता है वो इतने रफ्तार से जो आता है वो सारे खेत के, अगर इसमें कोई मछली रखा उसमें कोई मछली रखा तो इसका मछली इधर आ जाएगा उसका मछली उधर आ जाएगा, ऐसे करके किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो जब से मैं खेती पे उतरा हूँ तो ये अलग अलग चीज़ मिक्स फार्मिंग के कैसे टेक्निक होते हैं वो सब चीज़ को मैं देखते रहता हूँ और सोचता हूँ कि इस जगह में क्या एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम लोगों का जो एरिया है आप देख सकते हैं खेती का ऊपर नीचे है, स्टेप टाइप का एरिया है, और जो पूरा प्लेन एरिया जिनका होता है उनका उसमें ये चीज़ किया जा सकता है, पॉसिबल है, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ तो हम लोगों का बस एक ही खेती होता है, यही जो धान का खेत लगा दिए, उसके बाद में आप दूसरा कुछ इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि आप गेहूं नहीं लगा सकते क्योंकि गेहूं के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पानी दूर दूर तक पानी नहीं है, जो भी पानी है इंद्रदेव से जो पानी आती है उससे होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, अच्छे से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कीजिए दिल लगा के। और फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह सपोर्ट हम लोगों के ऊपर में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय हिंद, जय भारत।